राज कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के जो CMD हैं संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। आज दूसरी वर्षगांठ है इस अपने कंपनी के बारे में, अपनी दूसरी वर्षगांठ जो है, तमाम तरह के प्रोजेक्ट हैं जो आपके जो ग्राहक हैं वो भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले क्या कहेंगे इस दूसरी वर्षगांठ पे? सबसे पहले तो दूसरी वर्षगांठ पे हम अपने पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के पूरे फैमिली मेंबर्स को, सभी एम्प्लॉई को बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं कि उनके सहयोग से, उनके कोऑपरेशन से आज हम लोगों ने 2 साल पूरा किया और उनके साथ 3-4 ऑलरेडी प्रोजेक्ट हम लोग कर भी रहे हैं। और आपको मैं आज एक बात बता दूं कि एक और नया प्रोजेक्ट भी हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं इन लोगों के सहयोग से, गोवा सिटी के नाम से, जिसका लोकेशन सुगना मोड़ के पास है। सबसे बड़ी चीज़ होती है संजीव जी, जो किसी भी बिजनेस को खड़ा करना और उस बिजनेस में जो तमाम एम्प्लॉय होते हैं उनका सहयोग के बिना वो खड़ा नहीं हो पाता। जब तक एम्प्लॉय का कोऑपरेशन नहीं हो, आप जितना मेहनत कर रहे हैं, तो क्या इस जो भी शुरू से आपके सहयोगी रहे, हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आज पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन इस जो रियल एस्टेट है उसमें कहीं ना कहीं एक अहम स्थान पर है और एक नामचीन चीज़ है जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। जो हमको अगर घर लेना है तो एक बार पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन से एक बार हम मिलते हैं, बात करते हैं कैसा कैसा क्या है इनका, तो कैसे कैसे सिलसिला शुरू हुई थोड़ा सा हम उसकी बात करेंगे और आज इस स्थिति में है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब मैंने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया था तो हम लोग 5-6 एम्प्लॉई थे। मैं भी इसके पहले एक रियल एस्टेट कंपनी में एज ए एम्प्लॉई वर्क करता था, उसके बाद फिर एक कंपनी में मैंने पार्टनरशिप में भी वर्क किया, उसके बाद मैंने पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के नाम से कंपनी लॉन्च किया। उस समय मेरे साथ जो एम्प्लॉई थे, जो आज भी हैं, जैसे ऋषभ सिन्हा, रवि राज सिंह, मोहित कुमार, खुशबू कुमारी, ये लोग मेरे डे फर्स्ट से हैं। इन लोगों का पूरा सहयोग मिला। एक प्रोजेक्ट उस समय था मेरा मुंबई रेजिडेंसी, हम लोगों ने उस पर बहुत अच्छे से वर्क किया। उसके बाद फिर मैंने दूसरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बॉलीवुड रेजिडेंसी, जो पिछले वर्ष गांठ पे उसको हम लोगों ने लॉन्च किया था, वो फुल्ली सोल्ड आउट हो चुका है। तीसरा प्रोजेक्ट फिर हम लोगों ने लॉन्च किया, व्हाइट हाउस पल रेजिडेंसी, उसका ये आपका टोल प्लाजा के पास, दीदारगंज के पास है। और चौथा ये प्रोजेक्ट गोवा सिटी के नाम से भी लाया है, जो अभी बिहार और झारखंड में इस तरह का व्यू वाला कोई प्रोजेक्ट आपको नहीं देखा था। इसमें पूरा गोवा का लुक दिखाई देगा आपको, आप पटना में रहकर, बिहार में रह करके महसूस कर सकते हैं कि हम गोवा में हैं। ये मतलब क्या, G+6-5 क्या है? सर, G+7 बना रहे हैं, सेमी फर्निश्ड है, 2-2 स्विमिंग पूल दे रहे हैं, जो बिल्कुल आपको लगेगा कि गोवा बीच पे हम लोग बैठे हुए हैं। उसी टाइप का स्विमिंग ट्रैक भी दिए हुए हैं कि आप उस पर स्विमिंग करके आप स्विमिंग ट्रैक पे घूम सकते हैं, टहल सकते हैं। अब एक सवाल ये बनता है, जो सफलता के साथ अगर ये सवाल हमारा ये बनता है, जो इस लॉकडाउन में, कोरोना जैसी महामारी में, तमाम जो बिजनेस है, जो सर्वे आ रही है हम लोगों के पास, हमारे पास, आपके पास, ये देखा जा रहा है जो इस कोरोना जैसी महामारी में बहुत सारे जो बिजनेस है वो फिसिटी कहीं ना कहीं साबित हो रहा है। आप एक रियल एस्टेट कारोबारी हैं, क्या कहेंगे, समस्याएं आपके साथ भी आई या फिर कोरोना काल में जो समस्याएं आई अब आप उससे ऊपर आ चुके हैं, लोगों को कैसे आप अट्रैक्ट करें, क्योंकि लोग अभी भी संजीव जी कहीं ना कहीं थोड़ा सोच रहे हैं, जो लॉकडाउन हुआ, कोरोना जैसे सबकी जो स्थिति है वो आप वाकिफ़ हैं, तो लोगों से क्या मैसेज देंगे, लोगों से मतलब क्या बताएंगे इसके बारे में? देखिए सर, कोरोना काल जो है वो सबके लिए है, एक सिर्फ रियल एस्टेट के लिए नहीं है, सारे सेगमेंट के लिए है, बिहार वासियों के लिए, भारत वासियों के लिए, इंटायर आप जान रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में है, इससे कोई अछूता नहीं है। हमारी कंपनी भी अछूता नहीं है, रियल एस्टेट भी अछूता नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग डे टू डे आगे बढ़ रहे हैं और फिर से उस जगह पर आने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं जिस जगह पर हम लोग कोरोना काल से पहले थे। गोवा सिटी जो जिसके बारे में बताया, उसमें भी तमाम जो आपका एक ये भी पहचान है, जो आप तमाम जो आप बनाए हैं प्लॉट्स या जिसके बारे में बताते हैं उसमें आप ऑफर देते हैं EMI रेंट, वो सब जगह से अलग भिन्न होता है, तो गोवा रेजिडेंसी के बारे में क्या है, हम वो जानना चाहेंगे, आप दर्शकों को खुद बताएं। गोवा रेजिडेंसी एक्चुअली हम लोगों ने अभी लॉन्च किया नहीं है जी, इसी मंथ लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, लेकिन गोवा सिटी में भी बहुत सारी खासियत हैं जो मैं जिस दिन लॉन्च करूँगा उस दिन आप लोग को बताऊँगा। ये है कि अभी तक PR ग्रुप ऑफ कंपनी पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन का या बिहार झारखंड में
वैसा कोई प्रोजेक्ट नहीं आया होगा जिस तरह का मेरा गोवा सिटी लॉन्च होने जा रहा है। ठीक है, ये अपने आप में एक अद्भुत होगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि बिहार में रह के आप महसूस करेंगे कि मैं गोवा में रह रहा हूँ। बिल्कुल, बिहार में रह के आप महसूस करेंगे आप गोवा में रह रहे हैं, ये कहना है संजीव श्रीवास्तव जो पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन के चेयरमैन हैं। इनका कहना है आज जो है दूसरा वर्षगांठ है इनकी कंपनी का। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप ऐसे ही आगे बढ़ें। आप लोगों को भी, पूरे HD ग्रुप को भी, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे क्योंकि उन्हीं का कोऑपरेशन है। HD क्या है, HD न्यूज का भी कोऑपरेशन है, द HD न्यूज का कोऑपरेशन भी रहा मेरे साथ शुरू से। जब से हम लोगों ने इस फील्ड में आए हैं तब से आपसे हमारी जान पहचान बढ़ी है, तब से आपका भी बहुत सारा कोऑपरेशन रहा मेरे इस प्रोजेक्ट को हाईलाइट करने में, लोगों तक पहुंचाने में। आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, अपने दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, अपने जो भी बायर्स हैं, जो भी हमारे ये कस्टमर्स हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं जिनके कारण आज पल्लवी राज कंस्ट्रक्शन इस मुकाम पर पहुँचा हुआ।